बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खरबूजे का मिल्क शेक, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तारी में भी। सहरी में इस्तेमाल करने से प्यास का एहसास जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा मकदार होती है इसमें। शुरू करते हैं और बनाते हैं। खरबूजे हमने काट लिए हुए हैं, छिलके उतार लिए हैं, बीज जो हैं वो भी निकाल लिए थे, और इनको हमने थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख दिया हुआ था, इसलिए ये ठंडे हो गए हुए। थोड़ा सा नमक डालेंगे और चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, थोड़ा सा हम इसमें शहद भी डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शहद से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बर्फ़ जो है वो क्रश की हुई है, ये थोड़ी थोड़ी डालते हैं ग्लासों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये एक छोटी सी चमची है मेरे पास शहद की, और ये एक चमची जो है हम डालते हैं, इससे इसकी ताकत जो है वो भी बढ़ जाती है। वहीद अहमद, कैसा बनया? बहुत मज़ेदार। ना मज़ा आ रहा? नहीं मज़ा आ रहा? पियो फिर, पियो, शाबाश। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार बनता है मिल्क शेक खरबूज का, और मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ। अगर आप शहद ना भी डालना चाहें तो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शहद डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।